अच्छा सपोज इस तरह का हम लोगों ने कोई पैटर्न प्रिंट करना है कि हमारे पास, पहले तो हम लोगों ने ये किया था कि हमारे पास स्टार्टिंग में ही पहले फर्स्ट रो में हमारे पास एक स्टेरिक आ रहा था, फिर उसके बाद दूसरी रो में दूसरा स्टेरिक आ रहा था, फिर थर्ड रो में थर्ड से तीन स्टेरिक आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी चीज तो वही है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे स्पेसिस आ रही है। वहां पे क्या था कि एंड पे आपकी ट्राइंगल बन रही थी लेकिन वो किसी और फॉर्म में थी। अब ये आपके स्टार्टिंग में स्पेसिस आ रही है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो हमारे पास एक तो ये चेक करना है कि हमारे पास एक्चुअली रोज कितनी है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे अगर जस्ट हम लोग को ये चीज देखें तो हमारे पास यहाँ पे रोज जो है वो अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास थ्री रोज है, और अगर स्टार्टिंग में हम लोग देखते भी हैं तो हमारे पास जो स्पेसिस है वो भी हमारे पास तीन ही है, कि एक इसके लिए स्पेस है, देन इसके लिए स्पेस है, और देन इसकी जगह स्पेस है, और यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में ही हमारे पास स्टेरिक आ गया। मीन्स कि तीन स्पेसिस के बाद पहले हमारे पास स्टेरिक है, फिर दो स्पेसिस के बाद स्टेरिक है, फिर एक स्पेस के बाद स्टेरिक है, और देन उसके बाद कोई स्पेस नहीं है, और देन स्टेरिक ही हमारे पास है। अब आपको एक लूप चाहिए जो कि यहाँ पे आपको बताएगा, जिसमें हम लोग सिंपल वहां पे रोज और कॉलम्स देखते थे कि हमारे पास रोज और कॉलम के लिए दो लूप होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक लूप चाहिए जो कि यहाँ पे वो ये चेक करेगा कि रोज कितनी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करनी है। एक लूप आपको चाहिए जो कि स्पेसिस चेक कर रहा होगा कि हम लोगों ने स्पेसिस कितनी प्रिंट करनी है हर दफा, और एक लूप आपको चाहिए जो कि ये स्टेरिक प्रिंट कर रहा होगा और स्टेरिक को काउंट करेगा कि कितने स्टेरिक हर दफा काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल एक स्टार्टिंग में फॉर लूप लिख लेते हैं, इंट आई इक्वल टू जीरो, देन आई लेस देन, अगर हमने यहाँ पे हमारे पास फोर हो तो हम लेस देन फाइव रख लेते हैं, और देन आई प्लस प्लस। अब देन इस लूप के अंदर हमें दो फर्दर लूप चाहिए, जो कि एक तो आपके पास स्पेसिस को चेक कर रहा होगा, दूसरा लूप आपका स्टेरिक को चेक कर रहा होगा। तो हम फर्स्ट टाइम हम लोगों ने स्पेसिस कितनी प्रिंट करनी है, हम लोगों ने तीन स्पेसिस प्रिंट करनी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन, अब जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने थ्री स्पेसिस प्रिंट करनी है, तो मैं लेस देन फोर अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टाइम थ्री स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगी, देन जे प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और देन मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ स्पेस को, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एक जो स्टेरिक है वो प्रिंट करना है, तो देन यहाँ पे मैं अगेन फॉर लूप लिखता हूँ, इंट के इक्वल टू जीरो, के लेस देन, अब यहाँ पे स्टेरिक मैंने कितना प्रिंट करना है, एक स्टेरिक प्रिंट करना है फर्स्ट टाइम, तो मैं के लेस देन यहाँ पे वन, के लेस देन टू कर देता हूँ, और देन के प्लस प्लस, और देन सी आउट हम लोग यहाँ पे डाल लेते हैं सिंपल स्टेरिक। तो ये आपका फर्स्ट रो के लिए तो ठीक हो गया, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने कोडिंग एक्चुअली करनी होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे एकदम से यहाँ पे वो आई पे नहीं आ जाएंगे, मतलब आप जो कह रही थी वो ठीक था वैसे, लेकिन जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए कि हर बंदे को समझ आ जाए एक्चुअली हो क्या रहा है। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने तीन स्पेसिस प्रिंट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे लेस देन फोर कर देंगे, तो आपकी ये तीन स्पेसिस जो है, सॉरी यहाँ पे अगर हम लेस देन थ्री करेंगे, आई जीरो से लेस देन फोर करेंगे, ठीक है, अगर आपने ये वाला बनाना है तो यहाँ पे, क्योंकि नंबर मैंने एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, और यहाँ पे लेस देन वन करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फोर रोज हो जाएंगी, और देन उसके बाद तीन स्पेसिस प्रिंट हो जाएंगे, और उसके बाद देन एक आपका एक स्टेरिक आपको प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जस्ट आपका फर्स्ट टाइम है। अब नेक्स्ट टाइम हमें ये जो लूप चाहिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टाइम हमें तीन स्पेसिस चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम हमें दो स्पेसिस चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम हमें एक स्पेस चाहिए, और देन नेक्स्ट टाइम जीरो स्पेस चाहिए। और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें एक स्टेरिक चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम दो स्टेरिक चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम तीन स्टेरिक चाहिए, और देन नेक्स्ट टाइम फोर स्टेरिक चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास मेन जो सीक्वेंस बन रहा है वो ये है। तो अब फर्स्ट टाइम हमें थ्री के लिए चाहिए था, तो यहाँ पे थ्री होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें दो स्पेसिस चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास टू आ जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें एक स्पेसिस चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास वन आ जाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जीरो हो जाए। तो आप ये तो नहीं हो सकता कि हम कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और साथ साथ बार बार कोड भी चेंज करते जा रहे हैं, तो कोड चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग इसको कोड ही ऐसा लिखेंगे कि वो हर दफा चेंज होता रहे, कभी वो थ्री हो जाए, कभी वो टू हो जाए, ठीक है, चेंजिंग होती रहे। जीरो क्यों लिया है मदीहा सर्वर, आपकी मर्जी है, अगर आप वन करेंगे ना तो फिर आप, अगर यहाँ पे आप आई इक्वल टू वन लिखती हैं
तो देन आपको यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू 4 लिखना पड़ेगा, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको लूप चलाने का तरीका कैसे, हमने एक्सक्यूट कैसे करना है वो आपको बता दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके। अगर आप कहती हैं कि आई इक्वल टू 1 हम लेते हैं, तो फिर आपको आई लेस देन एंड इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा, या फिर आपको आई लेस देन 5 लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी ठीक है। तो आपको यही बताया हुआ है कि आपके कोड करने के मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं। अगर यहाँ पे आप 0 लेती हैं, तो फिर आपको यहाँ पे आई लेस देन 4 लेना पड़ेगा। तो कोड आप किस तरह लिखती हैं, हमें असल में चाहिए क्या कि हमने फर्स्ट इस जो हमारे पास रोज हैं, हमने 4 रोज प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे अगर आप i1 से स्टार्ट करती हैं, तो फिर i को लास्ट लेस देन 5 करना पड़ेगा आपको। इट मीन्स के 1 2 3 4 टाइम ये आपका ट्रू रहेगा, फिफ्थ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आप i इक्वल टू 0 लेती हैं, तो 0 1 2 3, ठीक है, ये आपके 4 ही बन जाते हैं, इतने पे आपका ट्रू रहेगा और फोर्थ पे आके ये फॉल्स हो जाएगा। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह यहाँ पे यूज कर सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने 3 लिखा था कि हम फर्स्ट टाइम 3 स्पेसिस प्रिंट करना चाहते हैं, तो फर्स्ट टाइम हमारे पास आई क्या होगा, 0। अगर यहाँ पे मैं 3 माइनस आई कर देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास 3 माइनस आई फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आएगी, जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो 3 माइनस आई इक्वल टू 0 ही 3 हो जाएगा, मीन्स कि आपके पास 3 स्पेसिस प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू होगी। नेक्स्ट टाइम आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, इट मीन्स कि ये लॉजिक भी हमारी बन गई है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये लॉजिक भी बन गई है। इट मीन्स कि ये लूप हमने ठीक लगा लिया है। ठीक है, ये लूप हमारा सही हो गया स्पेसिस वाला। अब देन हम दूसरा लूप यूज करेंगे, वो हमारे पास स्टेरिक है, अब इसको हमने ठीक करना है। तो k इक्वल टू 0 फर्स्ट टाइम हमें ये एक स्टेरिक ही चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें 2 स्टेरिक चाहिए, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 4। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है हमने, अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस i कर देता हूँ, तो i की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 है, तो 1 प्लस i इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या होगी, 2 i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 1 प्लस आई इक्वल टू 3। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 3 होगी जब, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। अब मीन्स कि आपके पास ये लॉजिक भी ठीक बन गई है। ठीक है, तो आपके पास ये आप लॉजिक बन गई है। अब आप इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ, तो आपके पास यही चीज आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने हर रो के एंड पे एंडल करना है, तो जब भी आपका आई खत्म होगा, इट मीन्स कि आई जब भी आपका इंक्रीमेंट होगा, स्टार्टिंग में आई 0 था, तो ये रो को यहाँ पे शो कर रहा है। देन जब i1 होगा, तो 1 होने से पहले यहाँ पे हमने एंडल करना है, तो इन दोनों लूप के बाद हम यहाँ पे सी आउट एंडल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों लूप के लिए ब्रैकेट लगाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट एक ही स्टेटमेंट हमने लोगों ने लिखी हुई है इन लूप के साथ। तो मैं इसको एक्सक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, समझ आ गई है सारा। अगर हम चाहते हैं कि ये तो एक तो हमारे पास ये था कि हमने यहाँ पे ये वैल्यू जो है खुद से ली हुई थी, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आए वो यूजर इंटर करे, तो हम यहाँ पे इंट नम इक्वल टू लाइक 10 कर देता हूँ, या फिर यूजर से लेनी है तो आप यहाँ पे सिंपली सी आउट कर लें, प्लीज इंटर वैल्यू, और देन उसके बाद आप यहाँ पे सॉरी सीन कर लें नम में, और देन यहाँ पे आपने इसको लेस देन नम कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको कब तक रोकते हैं, तो यहाँ पे आप इसको अब देखो, यहाँ पे हमारे पास जब 4 था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा हुआ था। ठीक है, ये समझ आ रही है, इट मीन्स कि 4 से 1 कम वैल्यू लिखी हुई थी। तो यहाँ पे जब हम नम लिखेंगे, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू चाहिए होगी वो कौन सी चाहिए होगी, नम -1 और -i। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्योंकि वो 1 बाय 1 चेंज होते रहेंगे, तो हमें यही वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको एक्सक्यूट करता हूँ, देन स्क्रीन में शेयर करता हूँ। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू अगर 10 लिख देता हूँ, तो
तो आपके पास ये 10 रोज के लिए ये लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डू वाइल लूप का एक और चीज समझ लेते हैं। आपका डू वाइल लूप मीन्स कि अब मैं ये चाहता हूँ, जिस तरह आपका यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं पहले 10 इंटर करूँ, फिर उसके बाद 20 इंटर करूँ, आपका ये चलता रहे, तो अब वो कैसे होगा? यहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि एक इंट चॉइस का मैंने वेरिएबल ले लिया, चॉइस इक्वल टू स्टार्टिंग में हम 0 कर लेते हैं, ठीक है, या 1 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डू का, जो डू वाइल का हमारे पास था लूप, वो हम यूज करते हैं, और देन यहाँ पे एंड पे आके मैं वाइल डू की जो ब्रैकेट थी वो एंड करता हूँ। यहाँ पे मैं वाइल लिखता हूँ, वाइल चॉइस इक्वल इक्वल टू 1, ठीक है। जब तक वो इक्वल इक्वल टू 1 रहे, ये आपका लूप चलता रहे, और यहाँ से क्योंकि अब ये, अब जस्ट मैं इसको चला दूंगा तो ये तो हमेशा चॉइस आपकी 1 ही रहेगी। यहाँ पे मैं अगेन सी आउट लिखता हूँ, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, ठीक है, और देन उसके बाद हम सीन ले लेते हैं अगेन चॉइस में। अब जब तक यूजर यहाँ पे 0 इंटर नहीं करेगा, यहाँ पे हम साथ 1 एंड 0 लिख देते हैं, ना कि यूजर को पता लग जाए कि 1 या 0 इंटर करना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपका होगा क्या कि जब तक वो यूजर आपका 1 इंटर करता रहेगा, ये बार बार आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही वो 0 इंटर करेगा, एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। अब मैं इसको अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, आपके पास ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे 15 इंटर करता हूँ, तो आपके पास 15 यहाँ पे जो रोज हैं वो शो हो रही होंगी। देर आप डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू 1 या 0 इंटर करना है आपने, ठीक है। तो हमने अगेन 1 इंटर किया, तो अगेन वो आपसे वैल्यू मांग रहा है, प्लीज इंटर वैल्यूज। अब अगेन मैं यहाँ पे 30 इंटर कर देता हूँ, तो आपके पास 30 रोज के लिए ये लूप जो है वो चलना स्टार्ट हो गया। अब ये यूजर पे डिपेंड कर रहा है कि यूजर आपका लूप किस तरह चला रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस लाजमी खुद से भी करनी है। अगेन मैं यहाँ पे 1 इंटर करता हूँ, ठीक है, देन मैं प्लीज इंटर वैल्यू, यहाँ पे मैं 2 इंटर कर देता हूँ या 3 इंटर कर देते हैं, बहुत छोटा हो जाएगा। 3 इंटर करता हूँ तो बिल्कुल छोटा सा एक ये हमारे पास पैटर्न बन गए। अगेन डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू 1, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम 6 इंटर कर देते हैं, तो आपके पास पैटर्न में चेंजिंग आती जा रही है, ठीक है। जब मैं 0 इंटर करूंगा तो आपका ओके okay, खत्म हो जाए। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शन था मेन, वो भी आपका टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इट मीन्स कि आपका ये जो फंक्शन, जो आपका पॉइंटर है, वो डू वाइल लूप से यहाँ से निकल आया। ये चीज समझ आ गई है, किसी को समझ ना आई हो? अच्छा, देन ये आपको समझ आ गई होगी कि डू वाइल लूप हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल समझाइए, ठीक है ना। आपको ये हो सकता है कि वहां पे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, वो आपके 3-4 क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए कि यूजर आपको बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन इस टाइम रन। आप इस तरह के 3-4 पैटर्न बना के, लाइक मैंने एक ये पैटर्न प्रिंट किया हुआ है, एक और मैं पैटर्न प्रिंट कर देता हूँ, और फिर आपको कहता हूँ कि वो दोनों आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों पैटर्न है, वो एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐड करें। ये बल्कि खुद प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस टास्क ही समझ लें आप दे रहे हो। तो आपने क्या करना है कि एक पैटर्न ये प्रिंट किया हुआ है, इसी तरह का एक और पैटर्न प्रिंट करें, इसी तरह अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे। देन आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपल आप लोग यूजर से पूछेंगे कि उसने फर्स्ट वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है या सेकेंड वाला पैटर्न प्रिंट करवाना है। अगर वो फर्स्ट, अगर वो चॉइस इक्वल इक्वल टू 1 करता है, तो आपने इस कोड पे आ जाना है। अगर वो चॉइस इक्वल इक्वल टू 2 करता है, तो आपने जो दूसरा पैटर्न वहां पे लिखा होगा, आपने उस कोड पे चले जाना है, और वो प्रिंट उससे पूछना है कि उस पैटर्न की लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस खुद से करते रहे। अब बाकी आपको लॉजिक तो सारी समझ आ गई है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हो सकता है कि आपकी लाइक, अगर यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस तरह आपको ये स्टैटिक प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट ना हो, बल्कि यहाँ पे आपके पास कोई अल्फाबेट प्रिंट हो रहा हो, या 1 2 3 प्रिंट हो रहा हो, लाइक पहले तो आपके पास स्टैटिक प्रिंट हो रहे हैं ना। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पहले 1 प्रिंट हो, देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास 2 एंड 3 आ जाए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपके पास
फोर फाइव एंड सिक्स आ जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद सिक्स के बाद सेवन एट नाइन टेन आ जाए। तो अब ये लूप तो आपका उसी तरह ही काम करेगा, चीज वही है, जस्ट आपने स्टेरी की जगह यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है जो कि आपका वेरिएबल चेंज होता रहे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेते हैं वो कैसे होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक और नंबर ले लेते हैं, int n इक्वल टू वन कर लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आपकी वन से हो रही है। अब देन यहाँ पे जहां पे हमारा स्टैटिक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे हमने वो नंबर प्रिंट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे n प्लस प्लस कर देता हूँ, जिससे आपको बताया था कि आपका पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले n आपका प्रिंट होगा और देन उसके बाद आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे मे भी कंफ्यूज होते रहे तो आपको स्टार्टिंग में ये समझा देता हूँ कि अब हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। फिर ये भी बता देता हूँ कि ये हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिंपली सिंपल। हमने एन को यहाँ पे प्रिंट किया और उसके बाद एन इक्वल टू एन प्लस वन कर दिया, ठीक है। हमारे पास एन हर दफा इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पे अगर एक्सक्यूट करता हूँ तो आपके पास ये अगेन वैल्यू यहाँ पे इंटर करेंगे हम लोग, यहाँ पे फाइव इंटर कर लेते हैं। तो फाइव इंटर किया हमने तो यहाँ पे आपके पास, अब क्योंकि फाइव जो है ना आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आपको नजर सही आ रहा होगा कुछ पैटर्न। उसके बाद इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन आपके पास ये डबल डिजिट में आ जाता है, तो फिर यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको नजर आएगा, लेकिन आपकी लॉजिक वही यूज हो रही है, ठीक है। अगेन मैं जीरो इंटर करता हूँ तो आपके ये पैटर्न खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देन यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली कि जस्ट आपका यहाँ पे स्टेरी की जगह आप वो जो नंबर था वो साथ साथ इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज लिखने की बजाय आप लोग सिंपल अगर एन को यहाँ पे एन प्लस प्लस कर दें तो फिर भी आपका प्रोग्राम उसी तरह ही चलेगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख के अब मैं अगेन एक्सक्यूट करता हूँ तो आपके पास अगेन वही चीज होगी। हमने वैल्यू इंटर की, प्लीज इंटर वैल्यू, हम यहाँ पे फोर इंटर कर देते हैं। देन आपके पास अब भी वही चीज चल रही है, ठीक है। अब ये लास्ट थोड़ी सी रो आपको डिस्टर्ब लगेगी क्योंकि यहाँ पे लास्ट में आपके पास डबल डिजिट आ गए, तो ये इसलिए डिस्टर्ब होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा ये हो सकता है कि आपका डिजिट के अलावा कोई अगर हमने अल्फाबेट्स इंटर करने हैं तो वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो भी जस्ट इसी तरह जिस यहाँ पे आपने डिजिट इंटर किए थे आप यहाँ पे करेक्टर ले लें और देन यहाँ पे एन इक्वल टू आप स्टार्टिंग में ए कर दें, जो जिस तरह जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों ने वो शो करवाना है तो सिंपली आप यहाँ पे चेंजिंग करने की बल्कि जरूरत नहीं है आपको। जब आप डिजिट में इंक्रीमेंट करते हैं ना तो आपको आई थिंक ये स्टार्टिंग की क्लास में बताया था कि डिजिट में इंक्रीमेंट करते हैं तो वो आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और जब आप अल्फाबेट में इंक्रीमेंट करते हैं तो आपका ए बी सी डी, इसी तरह ये इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि साथ हम इसके बाद एक स्पेस भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये आपको नजर भी आए। तो देन मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब यहाँ पे हम अगर फाइव लिखते हैं तो आपके पास ए बी सी डी ई एफ। अच्छा अब ये थोड़ा सा ना क्योंकि हमने स्पेसेस ज्यादा दे दी हैं तो वो पैटर्न डिस्टर्ब हो गए। पैटर्न की लॉजिक वही है लेकिन वो आप स्पेसिस की वजह से ना, एक मिनट मैं स्पेसिस यहाँ से खत्म करता हूँ। एक्चुअली वहां पे जब स्टेरिक हम लोग प्रिंट करे थे तो स्टेरिक हर स्टेरिक की आपकी लेंथ सेम थी। अब यहाँ पे मसला ये है कि आपके हर डिजिट की लेंथ या फिर हर स्टेरिक की लेंथ जो है ना वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास आई की जो विड्थ है वो थोड़ी सी बिल्कुल कम है, डी की विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है तो वो थोड़ा चेंज होता हुआ आपको नजर आता है। तो आपके पास ये अल्फाबेट्स भी शो होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है जी, यहां तक कोई इशू हो आप लोगों को, किसी को कोई सॉरी मैंने आई थिंक वो स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो कुछ बोल दिया करो कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्योंकि मैं तो मुझे समटाइम याद नहीं रहता जी। आप स्क्रीन शेयर नजर हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं फोर लिखता हूँ तो आपको सिंपली ये यहाँ पे फोर नजर आ रहा है, ठीक
है, आपके पास अल्फाबेट्स भी आ गए। अगेन मैं वन करता हूँ, अगेन यहाँ पे मैं सेवन लिखता हूँ, तो आपके पास सेवन का वो रोज बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जी के बाद आपके पास यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आना स्टार्ट हो गए। तो ये कुछ आपके नंबर्स होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर्स वगैरह। और आपका जो स्मॉल ए है वो आपका 65 से स्टार्ट होता है और 92 पे आई थिंक एंड होता है, नहीं 86 पे आई थिंक एंड होता है। तो ये देख लेना आप, 65 प्लस 26 जो भी आपका आंसर आएगा 91 पे एंड होता है। तो 92 पे आपकी आई थिंक ये ब्रैकेट आती है ना, 93 पे ये आपकी ऑपरेटर आता होगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि आपने कैसे यहाँ पे अगर अल्फाबेट्स वगैरह लाने हैं तो वो कैसे आएंगे। ठीक है, अच्छा आप डायमंड, आप वो लॉजिक थोड़ी सी उसकी मुश्किल होगी, वहां तक वो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। डायमंड शेप असल में आपकी जो होगी, मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें आपके पास, इसको हम सिंपल स्टेरिक ही कर लेते हैं ताकि डायमंड शेप भी प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं सिंपल अल्फाबेट्स खत्म कर देता हूँ ताकि वो जो लेंथ और विड्थ का इश्यू आ रहा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, आप देन इसको मैं प्रिंट करता हूँ और ये हम लोग डू वाइल भी खत्म कर लेते हैं। और देन यहाँ से ये नंबर भी खत्म कर देते हैं, 5 कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम लोग 4 माइनस i, देन बाकी ठीक आई थिंक। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास सामने शो हो जाएगा। सर वो दो ऊपर दो को हटाना है क्या बोले आप? अच्छा जी, डू को दो खत्म, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आई थिंक कोड ठीक हो गया। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास जो सिंपल हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था वही आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारे पास। अब डायमंड शेप एक्चुअली होती क्या है पहले हमें ये देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट कैसे होगी। तो डायमंड शेप अगर यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ तो आपके पास कुछ इस तरह की डायमंड शेप बनती है। ठीक है, आप टू पर ऐड कर लेता ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। और देन उसके बाद आप यहाँ पे और देन अगेन ये कम होते जाएंगे तो आपके पास ठीक है, ये समझ आ गई है डायमंड शेप होती क्या है। अब आपने हम लोगों ने इसको प्रिंट करना है, तो पहले हम ये करते हैं कि ये ऊपर वाली जो आपके पास यहाँ पे ये आ रही है ट्रायंगल, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अभी तो हमने हाफ ये प्रिंट की थी कि जस्ट ये पीस जो हमारे पास था ये हम लोगों ने प्रिंट किया था। पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं, देन इसको प्रिंट कर लेंगे तो वो समझने में आपको इजी हो जाएगा, सारा आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये हमारे पास सिंपली ये आ रहा है कि स्टेरिक आ रहा है, देन उसके बाद स्टेरिक स्टेरिक ठीक है ये आ रहा था। हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे साथ में एक और स्टेरिक यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे दो स्टेरिक चाहिए, यहाँ पे हमें तीन स्टेरिक चाहिए। तो ये हमारे पास ऊपर वाला डायमंड बन जाएगा, मींस कि हमें यहाँ पे तीन स्टेरिक चाहिए, देन दो स्टेरिक चाहिए और देन एक स्टेरिक चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? यहां तक कोई इश्यू हो? इट मींस कि हमें यहां पे अगर आप देखो तो हमें चाहिए क्या, जो हमारे पास इस तरफ आपके पास यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे एक और लूप यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास दो स्टेरिक है तो हमें इस तरफ एक स्टेरिक एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे आपके पास तीन स्टेरिक है तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेरिक एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे आपके पास चार स्टेरिक है तो इस साइड पे हमें तीन स्टेरिक एक्स्ट्रा चाहिए। तो हम इसके लिए एक और लूप यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक और लूप यूज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, ब्रैकेट्स की अब हमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास दो लूप आ गए।
देन एक और मैं यहाँ पे लूप यूज करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब फर्स्ट टाइम ना मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो में मुझे जीरो इस यहाँ पे इसके लिए ये जो लूप है ये नहीं चलना चाहिए, सेकेंड टाइम ये चलना चाहिए, थर्ड टाइम ये दो दफा चलना चाहिए, जब ये वाला लूप आपका तीन दफा चले ये वाला दो दफा चलना चाहिए, मीन्स के इस लूप से एक कम चलना चाहिए। तो बता सकते हैं वैसे कि इस लूप से एक कम अगर हमने इस लूप को चलाना है जस्ट चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी, बच्चों वाली चेंजिंग है वैसे, कोई भी बता सकता है हैंड रेस करें। हाँ जी ये वन प्लस है तो मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, तो आप जस्ट ये वन का एडिशन था ना कि आपकी एक ज्यादा चल रही है, तो हम अगर इसको खत्म कर देते हैं तो यहाँ पे ये वो जो एडिशन थी जो इंक्रीमेंट वन का हो रहा था वो आपका खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बल्कि यहाँ पे ना मैं पहले स्टेरिक की जाए यहाँ पे कुछ और प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको वाजिया फर्क भी नजर आए कि एक्चुअली हो क्या रहे, तो यहाँ पे स्टेरिक की जगह मैं यहाँ पे प्लस का साइन यूज कर लेता हूँ और देन इसको मैं एक्सक्यूट करता हूँ। तो आपके पास ये हाफ जो डायमंड है वो बन गया, ठीक है। अब ये प्लस का साइन थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी लेंथ और वेट का इशू है, तो वहां पे आप लोगों ने ये फिर कंफ्यूज नहीं होना। बाकी अगर मैं स्टेरिक प्रिंट करता तो वो बिल्कुल आपकी लाइन में ही आता, ठीक है। तो अब आपका हाफ डायमंड जो है वो प्रिंट हो गया है। इसी हाफ डायमंड के लिए आपने ऑपोजिट अगेन लूप लगा सकते हैं या फिर इन्हीं लूप्स को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये अब आपकी लॉजिक पे है, ठीक है। अब आपका डायमंड जो है वो तकरीबन बन गया है। अब यहाँ पे इसको अगेन मैं शो करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं स्टेरिक लगाता हूँ तो फिर वो इशू खत्म हो जाएगा। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी को कंफ्यूजन है कि हमारा हाफ डायमंड क्लियर नहीं बना वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, ठीक है जी। हाफ डायमंड नजर आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था अगर आपको वो पैटर्न याद हो, तो हमने क्या किया था कि पहले आपके स्टेरिक प्रिंट होने चाहिए, देन उसके बाद कम हो जाए, देन उसके बाद अगेन कम हो जाए, देन उसके बाद अगेन कम हो जाए। अब आपकी ये लॉजिक जो है वो यूज होगी, ठीक है, जो आपके पैटर्न में होगी अगेन डायमंड के लिए जो हाफ डायमंड आपका रहता है वो इसमें ये लॉजिक यूज होगी। तो इसको अगेन कर लेंगे या फिर मैं समझा दूं, थोड़ा सा कोशिश खुद भी करें, थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करें ताकि कुछ आपसे भी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज कहते हैं समझा तो देता हूँ लेकिन फिर आप लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? मींस के उल्टा डायमंड बनाना है इसी का, हाँ ऑपोजिट डायमंड आप लोगों ने बनाना है। हाफ डायमंड तो हम लोगों ने कर लिया है। अब आपके यहाँ पे जो डायमंड आपके प्रिंट करने में छह लूप लग रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, या पांच लूप आप यहाँ पे लगेंगे, आप इनको विद इन थ्री लूप भी कर सकते हैं लेकिन वो फिर थोड़ी सी लॉजिक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मे भी आपको तीन चार लोगों को समझ आ जाए लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पांच चार पांच डायमंड से भी हो जाता है तो वो काफी है, बहुत है आपके लिए, चार पांच लूप से सॉरी हो जाएगा सर, ट्राई करेंगे। मदीहा सर्वर ने आई थिंक क्वेश्चन किया था, तो मदीहा हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है ये ट्राई करें, फिर भी ना हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे ही हैं, ठीक है। चलें ठीक है सर, फिर बस बाकी लैब थी आपकी, आप खुद प्रैक्टिस करें कुछ चीज़ों की।